मंच पर आसीन आज इस ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हमारे अपने परमादरणीय मांगू भाई पटेल जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष दीपक एहसास जी, डायरेक्टर साहब एसएन सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के तीनों मंत्रीगण तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, भरत सिंह कुशवा जी, हमारे ग्वालियर के यशस्वी सांसद शेजवलकर साहेब, आज जिनको इस संस्था ने डॉक्टर ऑफ साइंस से पुरस्कृत की है, अनिल कटकोपचर साहेब, हमारे संस्था के सभी प्रोफेसरगण, प्राचार्यगण और सबसे महत्वपूर्ण इस संस्था की आन बान और शान मेरे सभी नौजवान दोस्तों जो इस दीक्षांत समारोह में आज महामहिम के समक्ष हम सब उपस्थित हैं। आज हम सबके लिए एक अति गौरव का दिन है। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आज ग्वालियर के पावन धरती पर हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम राष्ट्रपति महोदय का स्वागत। ये हम सब के लिए राष्ट्रपति महोदय एक ऐतिहासिक क्षण, हमारे जिंदगी में बहुत बिरले एक ऐसे क्षण आते हैं जो सदैव हृदय और मस्तिष्क के एक भाग बन जाते हैं। और आज का ये दिवस, जब आप अपने कीमती समय से आपने हमारे नौजवानों के लिए समय निकालकर हम सब के साथ उपस्थित हुए हैं, आपका एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उसी के साथ साथ एक नारी शक्ति का एक प्रतिबिंब के रूप में और उसी के साथ साथ जनजातीय गौरव के रूप में आज केवल राष्ट्र के पटल पर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस देश का गौरव के रूप में आज आप पूर्ण रूप से स्थापित हैं। और इस बात का भी संयोग है कि शिक्षा के संस्था में हमारी राष्ट्रपति महोदय उपस्थित है, लेकिन एक बात का सुंदर संयोग है कि वे स्वयं भी अपने जिंदगी में एक शिक्षिका थी। और इस बात का भी एक सुंदर संयोग है कि उनका गौरवान्वित नाम भी उन्हें उनके शिक्षक के द्वारा दिया गया था। तो आज जैसे हमारे इतिहास की परंपरा सदैव रही और इतिहास की परंपरा में सदैव शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है, एक कहावत थी, गुरु गोविंद दो खड़े कोक लागू पाए, बलिहर गुरु अपनो जिन गोविंद बियोस बताए। और गुरु गोविंद जी सदैव कहते थे कि भगवान और शिक्षक के रूप में हमारे समक्ष हैं, लेकिन वही शिक्षक है जो भगवान का रास्ता हमें दिखाता है, वही मान्यता, वही एक श्रद्धा, वही एक भावना हम अपने शिक्षक के रूप में सदैव दिल में हम बनाए रखें, यही कामना हम लोग करते हैं। आज ग्वालियर का भी एक बहुत सौभाग्यशाली दिन है
कि ये संस्था की रजक जयंती के अवसर पर हमारी राष्ट्रपति महोदय आज हमारे समक्ष, ये संस्था जैसे एसएन सिंह जी ने कहा 1996 में मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा ग्वालियर में स्थापित किया गया था जब वे मानव संसाधन मंत्री थे, और उनकी यही सोच विचारधारा थी कि जहां एक तरफ सूचना प्रौद्योगिकी को मैनेजमेंट के साथ संगम में जोड़कर हम अपने देश में नौजवानों की एक उपयुक्त मानव संसाधन की फौज पूर्ण रूप से तैनात कर, 2002 में इस संस्था को मुख्यमंत्री जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने, हमारे प्रिय नेता देश के गौरव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर नामांकन किया गया। और आज मैं मानता हूं कि इस संस्था की गौरव कि जो जो नौजवान इस संस्था से निकलकर भारत माता की सेवा के लिए तैयार होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति के आधार पर वही एक चेतना के साथ इस दीक्षांत समारोह से निकलकर देश सेवा के रास्ते पर अग्रसर होता है। ये एक बहुत ऊर्जा का स्रोत हमारे नौजवानों के लिए आज पैदा होता है। मैं केवल 3 बातें आपके समक्ष रखूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। भारत का भविष्य अगर कोई बनाएगा तो वो मेरा नौजवान बनाएगा, और 3 बातें आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि ऑलवेज सदैव रिमेंबर, याद रखना कि परसिस्टेंस के साथ सदैव अपनी लक्ष्य की पूर्ति करनी। कभी यह मत समझना कि लक्ष्य हासिल हो गया है तो जीवन का लक्ष्य हासिल हो चुका। सदैव अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। दूसरी बात कि जिस संस्था से आपको शिक्षा प्राप्ति हुई, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें यह मौका मिलता है, और आज जहां शिक्षा ग्रहण आपने की है, जब आप इसके द्वार से निकलोगे तो जहां एक तरफ अपने परिवार के झंडे को हाथ में ले रहे हो, वहां दूसरे तरफ इस संस्था के झंडे को भी हाथ में लेकर इस संस्था अपने परिवार और अपने प्रदेश और अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ आगे बढ़कर देश का नाम गौरव जरूर बनाना, इस बात का विश्वास मैं जरूर रखता हूं। और तीसरी और आखिरी बात, विश्व में अगर कहीं भी परिवर्तन आया तो वो सदैव मेरी युवा शक्ति के आधार पर आया। भारत आज विकास के रास्ते पे, भारत आज प्रगति के रास्ते पे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा, एक नई बदलाव आई, एक विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होने वाला है। 10 साल 9 साल पहले हम विश्व के 11वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे थे, आज हम विश्व के 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके हैं, और 2030 तक विश्व के 3री बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर भारत अग्रसर होने वाला है। तो उस पथ पर और संकल्प पर, संकल्प लेकर मुट्ठी बांधकर ये देश का भविष्य अगर बनाना है तो आप लोगों को बनाना है, और मुझे विश्वास है कि मेरी युवा पीढ़ी में जो संकल्प है, मेरी युवा पीढ़ी में जो धैर्य है, मेरी युवा पीढ़ी में जो आत्मविश्वास है, और मेरी युवा पीढ़ी का दिल जो साफ है, इस देश का भविष्य आप सब लोगों के हाथों में सुरक्षित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।